जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय करनाल पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के अनुराग डांडा। हम लोगों ने आयोजित की है, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर युवा त्राही त्राही कर रहे हैं, युवा रोजगार के लिए भटक के पद आज के दिन में हरियाणा में खाली है। 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आधिकारिक तौर पर अपने ट्विटर पे भी और बयान देके भी आधिकारिक तौर पे ये कहा था कि 2023 के अंदर हम 50,000 ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियां देंगे। 2023 चला गया, मुख्यमंत्री जी को हमने पहले भी आग्रह किया था, फिर खुली चुनौती देते हैं कि आप 50,000 तो छोड़िए, अगर साल 2023 में 1,000 नौकरी भी सरकार ने दी है और उसकी अगर लिस्ट सार्वजनिक कर देंगे मुख्यमंत्री सरकारी नौकरियों की, तो मैं खुले प्लेटफॉर्म से माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर 50,000 कह के 1,000 सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाए तो फिर सरकार को शर्म आनी चाहिए। और बार 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 कहने के बाद भी जब इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उनके कान खोलने के लिए, जैसे हमारे क्रांतिकारी साथी कहा करते कि बहरी सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और आज हम ये घोषणा करने जा रहे हैं कि अगर वो 50,000 जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी देंगे, अगर उनके बारे में अगले 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो 7 फरवरी को हम लोग मुख्यमंत्री के घर का घेराव करनाल के अंदर करने जा रहे हैं। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। उसके बाद 8 तारीख को सभी जिला कार्यालयों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हर जिले के साथी हमारे इस बेरोजगारी की स्थिति को सरकार के सामने रखेंगे, और 9 तारीख को सभी जिला कार्यालयों के ऊपर धरना आयोजित किया जाएगा। ये एक प्रदेश व्यापी आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। सरकार को अगर हमारे बेरोजगार युवा अगर चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, अगर हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो फिर सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा हम करने जा रहे हैं। 7 तारीख को मुख्यमंत्री खुद देखेंगे कि कैसे उनको मुंह छिपा के करनाल से भागना पड़ता है। अगर हिम्मत है उनमें युवाओं के सवालों का सामना करने की, तो फिर 7 तारीख को अपने घर पे करनाल के आवास पे ही रहें। हम खुली चुनौती देते हैं, हरियाणा के युवा उनसे सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं, उनसे पूछने के लिए आ रहे हैं कि क्यों नौकरी के बारे में बार बार वो झूठ बोलते हैं, क्यों 50,000 नौकरी कह के 1,000 नौकरी भी पूरे साल 2023 में नहीं दी, क्यों जब से सीईटी का एग्जाम जब से लेना इन्होंने शुरू किया तब से एक भी कोई भी नौकरी सही तरीके से क्यों नहीं दे पाए, कोई टेस्ट सही तरीके से क्यों नहीं करा पाए, 40 से ज्यादा पेपर लीक क्यों हुए इस सरकार के अंदर, क्यों बार बार जो नौकरियां घोषित की जाती हैं उनके एडवर्टीजमेंट को वापस लिया जाता है, क्यों बार बार जो एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट कोर्ट में जाके फंस जाते हैं। सरकार ग्रुप सी का जो कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है उसमें कोर्ट ने अप्रैल की तारीख दी हुई है, सरकार क्यों अर्ली हियरिंग में नहीं जाती है, ग्रुप डी की भर्ती अगर ग्रुप सी से पहले करने के बारे में सोचती है। 1,000 में से 12-13 हजार युवा साथी ग्रुप सी में अपग्रेड हो जाएंगे क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वही बच्चे हैं सारे। जब 15,000 की भर्ती करेंगे ग्रुप डी में और 13,000 अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो सारी सीट इनकी खाली हो जाएंगी, पूरी भर्ती बेकार हो जाएगी, बकवास इनकी योजना है ये पूरी तरह से। इसलिए बिना सोचे समझे जिस तरीके से सरकार युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा रही है, उसको चैलेंज करने के लिए मैं हरियाणा के तमाम युवाओं को भी आमंत्रित करता हूं। आम आदमी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी ने खुले मंच से ये कहा है कि अगर बीजेपी सरकार के बस की बात नहीं है तो आम आदमी पार्टी, जैसे पंजाब के अंदर हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, वैसे हरियाणा में भी सरकार आते ही 2,00,000 सरकारी नौकरी एक साथ देने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए आप सब साथी भी इस आंदोलन के अंदर जुड़े। 7 तारीख को हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करनाल में करने जा रहे हैं और हरियाणा के सभी युवाओं को, चाहे उन्होंने किसी तरह का कोई एग्जाम दिया हो, किसी तरह की कोई उनकी नॉलेज हो, किसी तरह का कोई उनका बैकग्राउंड हो, सभी युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। 7 तारीख को आप भी यहां पहुंचिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी यहां पहुंचेगा और मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये सवाल पूछेंगे कि युवाओं के रोजगार के बारे में उनकी सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में कुछ क्यों नहीं किया। आपके कोई सवाल है डॉक्टर साहब?
सर, सबसे बड़ा मेरा ये सवाल है, जिस तरह आप रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं पर केंद्र सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की बात कर रही है, तो किस तरीके से, अगर मान लीजिए अगर उनको जेल में डाल देगा, तो आप लोग किस तरीके की रणनीति बनाकर के उनके लिए कामयाब हो सकते हैं? मैं आपको एक रेफरेंस के जरिए इसका जवाब देता हूँ कि जब आजादी हमको नहीं मिली थी तो अंग्रेज भी ये सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल दो फिर कौन आजादी मांगेगा। फिर उन्होंने सोचा फांसी चढ़ा देते हैं, फिर आजादी कोई मांगने वाला रहेगा नहीं। लेकिन शहीद भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चुमा, लेकिन उसके बावजूद भी आजादी मांगने वाले कम नहीं हुए, देश को आजादी मिली। इसी तरह से ये बदलाव की हवा है, ये बदलाव शुरू हो चुका है देश के अंदर। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाएं लोगों की मूलभूत सुविधाएं, लोग उनके लिए लड़ना चाहते हैं, युवा रोजगार के लिए लड़ना चाहता है, और इसलिए अब ये बदलाव रुकेगा नहीं। इनका मन करे जिसको जेल में डाल दें, हम इनकी जेलों से नहीं डरते, हम इनके लाठी डंडों से नहीं डरते, सर पे कफन बांध के निकले हैं, शहीद भगत सिंह जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, इस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती तब तक ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। देखिए बहुत स्पष्ट है, अभी तक तो इस बारे में चर्चा होती थी और गली गली में चर्चा होती थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार और चुनाव जीत गई तो शायद इस देश में चुनाव होना बंद हो जाएंगे। लेकिन पहली बार पूरे देश ने खुली आंखों से कैमरे के ऊपर ये देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है और कैसे भारतीय जनता पार्टी वोट की लूट करती है। कैमरे के ऊपर इससे नंगा नाच लोकतंत्र की लूट का हो ही नहीं सकता। जिस तरह से वोट मैनिपुलेट करके रद्द किए गए, आप ही बताइए 20 वोट ज्यादा होते हैं या 16 वोट ज्यादा होते हैं। हमारे पास 20 वोट थे, उसके बावजूद भी बीजेपी का एक पदाधिकारी रहा हुआ व्यक्ति जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के वोटों की लूट की गई। पूरे देश के अंदर आज के दिन में ये चर्चा है कि जब मेयर के छोटे से चुनाव के लिए ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, तो फिर सीएम और पीएम का जब चुनाव होगा तो क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेगी भाजपा, ये सबके मन में प्रश्न है। और इसी प्रश्न से 2024 के चुनाव का रास्ता भी निकलता है, लोग इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के अंदर चुनाव में वोट करेंगे। इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता है वो जेल में जा रहे हैं और बाकी नेता भी जेल में चले जाएंगे, तो इंडी गठबंधन तो बचेगा ही नहीं। देखिए मुझे लगता है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगा, जिनके परिवार से जेल जाने वालों की संख्या गिनने लगेंगे तो खत्म ही नहीं होगी, और किसी धर्म कर्म के काम के लिए नहीं गए थे, नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार की वजह से जो जेल काट के आए जिनके परिवार के लोग, उनके सवालों का मैं जवाब देंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोकसभा में? लोकसभा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की मजबूत तैयारी है, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारा संगठन तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन को लेके बातचीत चल रही है, आम आदमी पार्टी उसको लेके बहुत पॉजिटिव है। जब भी जैसा भी हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी से रिस्पांस आएगा, पार्टी हाईकमान जो तय करेगा उसके अनुसार। भाजपा पर 25 करोड़ में नेताओं को खरीदने का, तो क्या आप सबूत दिखाएंगे वो, जिस तरीके से सीबीआई के नोटिस जा रहे हैं? देखिए हमने तो स्पष्ट तौर पे बता दिया, हमसे भारतीय जनता पार्टी ये भेजती है, पुलिस वालों को भेजा था कोई धमकी देने के लिए, फिर कहते हैं जांच करेंगे इसकी, कह रहे हैं किसने आपको ऑफर दिया, तो हमने तो स्पष्ट तौर पे बता दिया, हमको तो उन्हीं लोगों ने ऑफर दिया था जिन्होंने गोवा में कांग्रेस के विधायक तोड़े थे, हमको उन्हीं लोगों ने ऑफर दिया था जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार तोड़ी थी, उन्हीं लोगों ने हमको ऑफर दिया जिन्होंने कर्नाटक के अंदर 17 विधायक खरीदे थे या धमकाया था उनको, हमको उन्हीं लोगों ने ऑफर दिया है जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे जगह जगह सरकारें तोड़ते रहे हैं, जगह जगह रिश्वत देते रहे, पैसा देते रहे, जगह जगह धमकियां देते रहे, जेल की धमकियां देके सरकारें तोड़ते रहे, वही लोग अब सरकार तोड़ रहे हैं। ऑपरेशन लोटस कोई नया नहीं है, ऑपरेशन लोटस हर बार वही लोग चलाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कौन जान सकता है कि वो कौन लोग हैं। अपने लोगों से पूछ लें, हरियाणा में लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि 10 सीटें हैं और अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है कांग्रेस और आपके बीच, और मुख्य दो पार्टियां यही हैं। देखिए मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया लोकसभा चुनाव का, अभी चुनाव की तैयारियों में समय है, चुनाव आयोग जैसे ही लोकसभा चुनाव अनाउंस करता है हम सब चीजों के साथ सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। ईडी के समन को लेकर अशोक तंवर हो, बंतारा वाल्मीकि हो और करनाल से भी, क्या कारण है कि वो इतनी जल्दी पार्टी से? आम आदमी पार्टी का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है और बहुत कांटों से भरा हुआ है। आप रोज देखते हैं हमारे नेताओं को कभी ईडी कभी सीबीआई की धमकी मिलती है, कभी किसी के ऊपर हमला होता है, कभी किसी को खरीदने तोड़ने की कोशिश होती है, कभी डराते हैं किसी को। ये रास्ता आसान नहीं है, इस पे चलना आसान नहीं है, ना आजादी का रास्ता आसान था ना बदलाव का रास्ता आसान है।
सबके बस की बात नहीं होती इस मुश्किल रास्ते के ऊपर चलना। बहुत से लोग घुटने टेक देते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनका निर्णय उनको मुबारक, उनके भाग्य में नहीं होगा हरियाणा में सरकार बना के हरियाणा के लोगों की सेवा करना। पंजाब में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इसी तरह से निर्णय जिन्होंने लिया था उनके भाग्य में नहीं था, सरकार तो हमारी फिर भी बनी, हम सेवा कर रहे हैं पंजाब में। हरियाणा में भी 2024 में आम आदमी पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिनके नसीब में नहीं था उस सरकार का हिस्सा बनके हरियाणा के लोगों की सेवा करना, उनको उनका निर्णय मुबारक। मुख्यमंत्री जो कार्यकर्ता थे वो बदल गए, जस्टिस है जो बड़े जस्टिस है वो दिल्ली के जंतर मंतर में जो है ईवीएम को मशीन को बंद करने की वो कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी उस आवाज को पूरी तरीके से उठाने का प्रयास करेगी? देखिए हम तो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि ये संदेह लोगों के मन में लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले शायद मशीन को लेके अगर कोई चैलेंज करता तो शायद हम उस तरीके से उस बात को नहीं जवाब देते, लेकिन जब आप चंडीगढ़ में खुले कैमरे पे बैलेट के ऊपर होते हुए देख रहे हैं कि अगर 36 वोट के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी खुलेआम लूट कर सकती है तो ईवीएम, और वो दिख रहा है ईवीएम में तो दिखता भी नहीं है कि वोट कहां जाता है, तो वहां क्या कुछ नहीं कर सकते, ये संदेह अब देश के लोगों के दिमाग में बैठने लग गया है। और जब संदेह पैदा हो जाए किसी व्यवस्था के प्रति तो उस व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी को नुकसान होता है। मुझे लगता है कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को इसी वजह से आज के दिन में बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के मन में उसको लेके सवाल हैं, और सिर्फ इसलिए सवाल हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक चाल चलन सही नहीं है। सर दिल्ली में काफी समय से आपकी पार्टी आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी आप पार्टी में कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ गए उनका कहना है कि आप पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और इसमें उचित मान सम्मान नहीं मिलता, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो गए कहाँ है उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो जहाँ गए हैं वो ऐसी पार्टी में गए हैं जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए के बिजनेसमैन के लोन माफ होते हैं और किसानों के कर्जे माफ नहीं होते हैं, जहां पे ना वो गरीब की बिजली मुफ्त कर सकते हैं, ना वो गरीब को पानी मुफ्त में दे सकते हैं, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, पूंजीपतियों की गोद में बैठ के और हमें पूंजीपतियों के पार्टी बताना, मुझे लगता है ये शर्मनाक बयान है, जिसने भी दिया उसको सोचना चाहिए अपने शब्दों में जाने। सर दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की आप बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर। देखिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की अकेली ऐसी सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने जो होमलेस बच्चे होते हैं जिनको आप कह रहे हैं कि चौराहे पे भीख मांग रहे होते हैं, जो उन बच्चों के लिए भी स्कूल बनाया, उन बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल का इंतजाम वहां पे किया, हम उस योजना पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल हमको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए जो ये कहते हैं कि भारत लगातार विकास के पथ पे बढ़ रहा है, उनको ये जवाब देना चाहिए कि कैसे आज वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं हम, तो बहुत खुशी की बात है क्या? आप इसका मतलब गरीबों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, पॉवर्टी की जो जितनी भी रेटिंग्स हैं उनमें हम नीचे गिरते जा रहे हैं, देश के अंदर गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते थे 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, तो फिर वो जो होमलेस हैं जो सड़क के ऊपर भीख मांग रहे हैं वो लोग कौन है? प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे क्या? इस सब का जवाब भारत को विकास के जो रास्ते से डगमगाने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनको देना चाहिए, केंद्र सरकार को देना चाहिए। लगातार ईडी के संबंध पर जा रही है पूछताछ के लिए, अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे, ऐसा क्यों? देखिए हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट, जो कि हम मानते हैं आज के दिन में ईडी और सीबीआई उनके एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनका कोई एजेंट हमको कागज पे कुछ भी लिख के दे देगा तो खाली तो नहीं बैठे अरविंद केजरीवाल जी, उनके पास देश भर का काम है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास चेन्नई से कोई फोन आ जाए पुलिस थाने से और ये कहे जी आ जाओ जरा एक बार, तो आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि क्यों बुला रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार हर सम्मन का हमने लिखित में जवाब दिया है कि आप हमें गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं या आप हमें आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं, आज तक जवाब नहीं मिला। बार बार हमने ये पूछा है कि क्या ऐसे सवाल हैं जो आप लिखित में नहीं पूछ सकते, आज तक हमको जवाब नहीं मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी की एजेंट ईडी अगर कानून सम्मत कोई सम्मन भेजेगी तो हम उसको जरूर उसका पालन करेंगे, अभी तक कोई कानून सम्मत, सारे इल्लीगल नोटिस आए हैं, सारे अवैध नोटिस अभी तक आए हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनकी कोई भूमिका नहीं बनती है, इसलिए उनका जवाब देना आप जरूरी नहीं समझ रहे हैं। नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल अगर आज के दिन में कोई व्यक्ति देश में ये सोच सकता है कि अरविंद केजरीवाल इन बीजेपी के लोगों से डर जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो सोच सही दिशा में नहीं जाती है। अकेली आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर
जो बदलाव की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 8-10 साल से लगातार हमारी सरकारों को गिराने के प्रयास हो रहे हैं, लगातार हमें ईडी सीबीआई की धमकी दी जा रही है, उसके बावजूद अगर कोई बदलाव की आवाज मजबूती से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ना हम इनकी जेलों से डरते, ना ईडी से डरते, ना सीबीआई से डरते, लेकिन इनकी राजनीतिक चालों में भी नहीं आएंगे। अगर इनको लगता है कि अपने एजेंटों को भेज के हमें परेशान कर लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी का प्रचार प्रसार पूरे देश में देखना है, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। दिल्ली के लोगों की सेवा कि अगर कोई भी नेता आपकी पार्टी से नहीं है, कोई भी सरकार आपकी पार्टी की प्रदेश में नहीं है, तो उसको लगातार 24 घंटे गिराने का प्रयास होता हो, उन नेताओं को जेल के अंदर डालने का प्रयास होता हो। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने तो आज विधानसभा के अंदर जब बहुमत साबित कर रही थी उनकी पार्टी की सरकार, तो उन्होंने खुले तौर पे कहा भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है तो सदन के अंदर वो कागज रख के दिखाएं जिनमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है या उन्होंने कोई किसी तरीके की गड़बड़ी की है। वो राजनीति छोड़ने को तैयार है। इतनी बड़ी चुनौती वही व्यक्ति दे सकता है जो इन लोगों का सामना कर सकता है। ये माफी मांगने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं, इनसे हमारा डरना नहीं बनता, क्योंकि हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को। सर, जब आपके ही नेता आपके नहीं रहे तो किसके दम पर चुनाव लड़ोगे? देखिए, आम आदमी पार्टी नेताओं के दम पे नहीं चलती। नेता हमारे सिर्फ एक है, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत से बड़ी होती है, कार्यकर्ताओं के कंधों पर चलने वाली पार्टी है। आज के दिन में हरियाणा के अंदर हमारे 1.5 लाख से ज्यादा आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं। संगठन लगातार विस्तार हो रहा है संगठन का। अगर कोई 2-4-5 साथी छोड़ के चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता उससे कोई प्रभाव पड़ता है। 1.5 लाख की आज के दिन में हमारे ऑफिस बेरर की स्ट्रेंथ हरियाणा के अंदर है। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक मजबूत विकल्प, बड़ी ताकत बनकर। एसआरके की यात्रा जो अभी खत्म हुई है, किस तरीके से देखते हैं पूरा माहौल वो लोग बना रहे हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ एसआरके? मुझे लगता है उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनकी अंदरूनी लड़ाई में हमें क्यों शामिल। हरियाणा में पार्टी आपकी मुख्यमंत्री ने घोषित करी पंजाब की तरह? बिल्कुल करेंगे। पंजाब में कब किया था उस समय सीमा को देखिए, हरियाणा में भी उसी समय सीमा के आसपास कर देंगे। सर, लोकसभा का चुनाव इस बार पूरे देश के अंदर इसी बात के ऊपर होने जा रहा है कि क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही लाना चाहती है देश में, उसके खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन भी बनाया गया है, ये इसी सोच के साथ बनाया गया है कि अगर लोकतंत्र रहेगा तभी चुनाव होंगे, तभी पार्टियां रहेंगी और तभी लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो अच्छी और बुरी पार्टी में से, अच्छे और बुरे नेता में से किसी एक को चुन सके। अगर चुनाव ही नहीं होंगे, अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो लोगों के पास ये आजादी भी नहीं रहेगी। इसलिए 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए होगा। ये सत्ता पक्ष का कहना है कि गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? तो उनके साथ जो 34 पार्टी बैठी है वो तो ठगबंधन नहीं है, वो तो लुटेरा बंधन है। सर, राम मंदिर के बाद अब ज्ञान व्यापी और मथुरा काशी की बात की जा रही है, तो क्या लगता है राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है वो सब धार्मिक स्थलों का मामला है और जो धर्म के जानकार है उनको उस विषय पे लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का बड़ा विरोध हो रहा है पंजाब में, किस चीज को लेकर? पानी सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर, पानी सिद्धू की। सर, सरकार का पुतला भी फूंक रहे हैं पंजाब में, सर माहौल भी खराब हो रहा है, मतलब क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या? मुझे लगता है कि उस पे डीजीपी जी ने उस पे बयान दिया है और उस पे चर्चा चल रही है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। आज के शाम के बाद जो हमने को लिस्ट भेजा की है, वही धीरे धीरे की रेखा से कितने रूम का 41.5 करोड़ लोग बाहर निकल चुके हैं, तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जिनको हमको अनाज देना पड़ रहा है? तो इसका मतलब सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारत में गरीबी पॉवर्टी बढ़ती जा रही है लगातार, और इस सरकार के दौरान 10 साल के अंदर भारत पे कर्ज भी बहुत ज्यादा। आज के देखिए, निश्चित तौर पे कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी उस पर सुनवाई होनी है मुझे लगता है, और हम कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में, जनता के साथ लड़ेंगे।